नमस्कार किसान भाइयों, मैं अक्षय मौर्य एम टेक ब्लॉक पे आपका स्वागत करता हूँ गांव में। और आज गोविंद थ्रेसर के बारे में रिव्यू करेंगे। ये है देखिए गोविंद का थ्रेसर, 42x27 साइज है और ये गोविंद का बहुत ही मजबूत और बढ़िया थ्रेसर है। और देखिए इसमें चार बेल्ट लगा हुआ है और उसका पुली जो है 18 इंची का पुली है ये, और ऊपर लगा हुआ है 9 इंची का पुली यहाँ पे। देखिए ये ऊपर 9 इंची का पुली लगा हुआ है और ये देखिए ये 3 बेल्ट लगा हुआ है मजबूती के लिए। ये है 4 इंची का है ये पुली, इसको दिखाओ। ये देखिए 4 इंची का पुली है, उधर लगा है। देखिए ये भी हाबा डाबा थ्रेसर है दोस्तों, और तीन बेल्ट में ये आता है। और आइए ऊपर से कुछ दिखाते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये ऊपर का व्यू है, देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए इसका जो लगाने वाला टैंक है वो है, ऊपर चढ़ गए हैं हम। देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, इस तरह दिखता है। और देखिए ये दो दिए हैं भूसा निकलने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है गाठ घिसता है गेहूँ का, गेहूँ को साफ करने के लिए। और यहाँ से ये बाहर आता है, यहाँ से देखिए ये गाठ जो है बाहर निकलेगा। और ये दिया है, देखिए भूसा फेंकने का मुंह है, एक और दो मुंह इसमें लगे हैं भूसा निकलने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा थ्रेसर है। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बेल्ट, ये जो 3 बेल्ट लगे हैं, 3, 3, 3, 6 बेल्ट ये लगे हैं। देखिए दोस्तों, इस पुली में जिधर से भूसा निकलता है उसके हिस्से में, ये देखिए दोस्तों इसका फ्लाईव्हील है इस प्रकार। और ये देखिए लगा हुआ है इस पर चढ़कर काम करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो बोल्ट देख रहे हैं, यहाँ से इस बेल्ट को टाइट करने के लिए, इसको जब आप कसेंगे तो ये बेल्ट टाइट होगा आपका। देखिए दोस्तों, ये इसका साइज है लगा है, जो आप ट्रैक्टर से जब निकाल कर खड़ा करना होगा तो ये स्टैंड लगा हुआ है दोनों तरफ, इधर भी लगा हुआ है देखिए इस तरह। और ये जो देख रहा है, ये है सापट टांगने के लिए, इधर भी दिया है और उधर भी दिया है नीचे भी। और देखिए मजबूती के लिए यहाँ पे भी दिया है ये, कि ये जो लपे नहीं, इसको आप चाहें तो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने गाड़ी के हिसाब से।